नमस्कार प्यारे साथियों, एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से 4 तक पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। जुलाई 2023 तक का ये जो बुक है इसमें करेंट अफेयर्स पूरे 1 साल का दिया हुआ है, जुलाई 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक का। और इसमें जो प्रैक्टिस सेटों की संख्या है लगभग ये 15 है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चनों की जो संख्या है ये 50 है। तो आज हम लोग सेट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में बिहार के किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये छपने वाला क्वेश्चन है। बीपीएससी और बिहार जो टीचर एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो जल जीवन हरियाली अभियान को शामिल किया गया है। अगर इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 26 अक्टूबर 2019 से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लेकिन जीविका योजना के बारे में भी जानिए, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जीविका योजना, तो इसका शुरुआत अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर 2007 को किया गया था। कब? तो 2 अक्टूबर 2007 को। किसके सहयोग से? तो बिहार सरकार और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए चीफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ हमसे गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। कथन नंबर 1 है कि के विनोद चंद्रन, यानी कि इसका पूरा नाम देखा जाए तो कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये भी सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ 44वां दिया है तो एग्जाम में भी आपसे 44वां ही पूछे। वहाँ क्रम हो सकता है कि आगे पीछे रहे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 4x4 यानी कि 4x4 याद रखिए, यानी कि 44वें क्रम का है ये। इससे पूर्व ये केरल हाई कोर्ट के क्या थे? तो ये जज थे। ये भी सही है, क्योंकि केरल हाई कोर्ट के ये क्या थे? तो ये सीनियर जज थे। इन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है, तो जी हाँ ये भी सही है कि संजय करोल का स्थान लिया है। तो गलत कथन पूछा जा रहा है तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन बीपीएससी बहुत बार एक क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट की तर्ज पर, यानी कि बिहार के पूछा जा रहा है कि किस जिले में, यानी कि दिल्ली जो हाट है मतलब कि जो बाजार होता है, इसके तर्ज पर मिथिला हाट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो यह कहाँ हुआ? तो मधुबनी में। पटना मेट्रो निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 5509 करोड़ रुपये का समझौता किया गया है? तो जीका जो कंपनी है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसके साथ किया गया है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2023 में मनाए गए बिहार दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये सही है। देखा जाए बिहार का स्थापना दिवस कब? तो 22 मार्च 1912 को। 111वां स्थापना दिवस इस साल मनाया गया, तो जी हाँ ये भी सही है। और इसका थीम देखा जाए तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, तो ये भी सही है। तो सही कथन पूछा जा रहा है तो 1, 2, 3 ये भी सही, ये तीनों राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ की है? लक्ष्मी झा, सहरसा की है। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा करके पूछा जा सकता है। तो माउंट जो ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। तो इसका ऊंचाई भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम ऐसे ही छपे, क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है। तो 5 बताए थे ना कि इसका 5 अंत में भी 5 और 8 और 9 इसका क्रम, तब 5895 मीटर किसका? तो माउंट किलिमंजारो की ये ऊंचाई है। बता सकते हैं माउंट एवरेस्ट की नवीनतम ऊंचाई जो है अभी जो कितना इसका है बताइए आप लोग कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत जैविक कॉरिडोर योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो चौथा जो कृषि रोड मैप है, शुरुआत में इसमें कम जिलों को शामिल किया गया हुआ था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, लेकिन अभी जो चौथा कृषि रोड मैप हुआ है इसमें सभी जिलों को शामिल कर लिया गया है। यानी कि बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है, तो 38 इसमें सभी को शामिल कर लिया गया है। चौथा कृषि रोड मैप का जो टाइम पीरियड है ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे जंक्शन को 440 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है, जहां एयरपोर्ट जैसी क्या होगी? तो सुविधाएं होगी। तो यह मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह हर माह का आता है, तो जनवरी 2023 में जारी जो आकांक्षी जिला की रैंकिंग में चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ 5 जो आकांक्षी जिले में बिहार के 2 जिला शामिल है, क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये सही है। ओवरऑल रैंकिंग में खगड़िया जिला प्रथम और शेखपुरा चौथे स्थान पर रहा, तो ये भी सही है। स्वास्थ्य पोषण के क्षेत्र में खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर रहा, ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम खगड़िया ही रहा और चौथा इसमें जो है किसका था, शेखपुरा का, लेकिन अगर स्वास्थ्य और पोषण में खगड़िया ये प्रथम स्थान पर रहा, तो उपर्युक्त सभी जो कथन है ये सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला को, ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, किसे? तो यह बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। एक जो प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री ये बनाने का काम करती है, अपने साथ बहुत सारी महिलाओं को भी ये जोड़ती है। देखा जाए इसका तो नई दिल्ली में ये जो केंद्र के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाएगा और 4 मार्च 2023 को सम्मानित किया गया विज्ञान भवन में। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो मुजफ्फरपुर जिला के ये सीहो गांव जो है यहाँ की रहने वाली है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट है याद रखिएगा तो बढ़िया ही रहेगा। बिहार के किस जिला में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा शामिल हुई? तो ये संसद जो खेल महोत्सव है, ये पीएम मोदी के द्वारा इसका रखा गया हुआ था। तो ये क्या है कि इसका जो शुभारंभ अगर देखा जाए तो ये हर जिला में, मतलब कि सांसद जहाँ जहाँ है, ये अपना हर मतलब कि जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ इसका आयोजन कर रहा है। तो पटना में अगर देखा जाए तो रामकृपाल जो यादव है इनके द्वारा पाटलिपुत्रा में किया गया, ठीक है, पटना में किया गया। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि समापन समारोह कहाँ, तो पीटी उषा कहाँ भाग ली है, तो ये बेगूसराय में भाग ली है, ठीक है। और यहाँ किसके द्वारा किया गया, तो वहाँ का जो अभी सांसद है कौन है, तो राकेश सिन्हा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से क्या किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ किसके द्वारा, तो महिला और बाल विकास निगम के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। अब ये बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार के द्वारा ये किया गया है, लेकिन इससे पूर्व में ये किस गांव की है, तो अगर पूछा जाए पटना की एक पंचायत है, तब पंचायत भी पूछा जा सकता है, तो बिष्णुपुर बघन नगरी की है ये। इससे पहले इनको अक्टूबर 2022 में, ठीक है, इसको सम्मानित प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है स्वच्छता के लिए ही। कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के सनी राज ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो यह कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा था, कौन, तो 18वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो यह बिहार के जो सनी राज हैं, ये ट्रिपल जंप में क्या है, तो ये कांस्य पदक जीते, ये भी सही है। और पीयूष राज डेकाथलॉन जो खेल होता है इसमें ये सिल्वर मेडल जीते, तो ये भी सही है। तो एक और दो दोनों कथन ये सही है। वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में GST संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है जहां आधुनिक तकनीकों पर फूलों की खेती की जाएगी? तो ये कहां, ये नालंदा में किया गया है, सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर, याद रखिए कहां, तो नालंदा में। हाल ही में कौन बिहार के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो प्रशांत कुमार शाही। आर्टिकल 135 में किसका, तो महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है, कहा इसमें कहा गया है कि गवर्नर द्वारा जो हाई कोर्ट का नियुक्त होने के लिए जो अहित किसी व्यक्ति को राज का क्या कर दिया जाएगा, तो महाधिवक्ता ये नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में प्रत्येक बिहार विधानसभा क्षेत्र में 7 तथा विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण करने की घोषणा किया गया है। तो विधानसभा में कितना था, 7 और विधान परिषद में 5, इस जो क्षेत्र है वहाँ पर। 18 से 19 मार्च 2023 को बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ देखने को मिलता है, तो भागलपुर में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, भागलपुर। 34वें फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन झारखंड में किया गया, यही गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन है ये हरियाणा में किया गया।
बिहार की महिला टीम ने क्या हुआ कि इसमें कांस्य पदक जीती और ये पहली बार कोई है बिहार महिला टीम के द्वारा कोई पदक जीता गया है। तो ये दो और तीन जो है ये सही है, कथन इसका एक जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बिहार के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के किस जिला में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा सहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है। बहुत दिनों से मांग किया जा रहा था कि इनका जो प्रतिमा है ये पटना में स्थापित किया जाए, तो राजेंद्र नगर जो गोलंबर है यहाँ किया गया है पटना में। किसके द्वारा अनावरण किया गया? तो सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए कि जुब्बा सहनी का संबंध कहाँ से, तो मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है और मीनापुर प्रखंड के चैनपुर गाँव से। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम्स को प्रदर्शित किया गया है? तो किस भाषा की फिल्म है? तो ये मैथिली भाषा की फिल्म है। राइट आंसर कौन? तो लोटस ब्लूम्स। बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये अररिया में बनाया जा रहा है, पता ही होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 24 है, मार्च 2023 में मनाई गए विश्व गौरैया दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है, तो ये सही है। यह बिहार का राजकीय पक्षी है, तो कौन देखने को मिलता है? तो गौरैया, ये भी सही है। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस का थीम आई लव एस्पेरो है, तो ये भी सही है। तो गलत कथन इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो यह कहाँ बनाया गया है? तो यह भागलपुर में बनाया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो खुशी कुमारी का चयन किया गया है, पूछा जा सकता है। तो यह फुटबॉल की प्लेयर है, ठीक है, खुशी कुमारी। तो कहाँ आयोजन होगा इसका? बांग्लादेश में, ये हो भी चुका है, मार्च 2023 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक जो मजदूरी है ये कितना अब तय कर दिया गया है? तो 228 रुपया तय कर दिया गया है। कहाँ? तो बिहार और झारखंड के लिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान में वार्षिक सांस्कृतिक प्रबंधन उत्सव अन्वेषा 2023 का आयोजन किया गया? तो ये IIT पटना में किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो वर्मी कंपोस्ट में याद रखिए कितना, तो 50% ये अनुदान दिया जाएगा। 27 मार्च 2023 को बिहार के किस एयरपोर्ट से, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस एयरपोर्ट से एयरलाइंस किसके द्वारा, तो इंडिगो द्वारा झारखंड से देख के देवघर के लिए क्या किया गया? तो हवाई सेवा शुरू की गई। तो यह पटना एयरपोर्ट से किया गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई कॉफी टेबल बुक बिहार डेट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो रघु राय और उषा राय के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है। क्या नाम है इसका? तो कॉफी टेबल बुक बिहार डेट वाज एंड नाउ, विमोचन किसके द्वारा? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 6वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन पंजाब में किया गया, जी हाँ किया गया, ये भी सही है। बिहार की खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। तो यह नवादा की खिलाड़ी है। पंकज कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों जीता, तो यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति द्वारा 22 से 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन कितने जिलों में किया गया? तो ये कितने जिलों में किया गया? तो टोटल ये 9 जिलों में किया गया। हाल ही में खान और भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी करने का क्या किया है? तो यह निर्णय लिया है। तो ये जमुई में मिला हुआ था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 17 से 19 मार्च तक अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो अहद अनहद शहद और शब्दों और प्रदर्शन का जो महोत्सव है ये बिहार संग्रहालय परिसर, ये पटना में किया गया, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36,
21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां की 107वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में कौन सा कथन ये सत्य है? इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमराव में हुआ था। कौन सा कथन सत्य है? 21 मार्च 2016 को यह डुमराव में हुआ था, 2016 को जन्म हुआ था। जी नहीं, ये कथन गलत है, इसमें सुधार कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ गलत दे दिया गया हुआ है। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 21 मार्च 2016 को डुमराव में हुआ था, 1916 होना चाहिए, यहाँ गलत दे दिया गया हुआ है, ठीक है? इन्हें 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सेकेंड रैंक का जो सर्वोच्च होता है, ये सेकेंड रैंक इसका आता है। तो पद्म विभूषण कब? तो 1980 में प्रदान किया गया। तो ये डुमराव जो पड़ता है, ये बक्सर में पड़ता है, याद रखिएगा। हालांकि इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ गलत दे दिया हुआ है सत्य कथन, ठीक है? तो ये तो गलत है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इनमें से सभी नहीं होगा, लेकिन ये जो एडिटोरिया में दिया गया है, इसमें दे दिया गया हुआ है इनमें से सभी, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसमें 1916 होना चाहिए। और 2001 में भारत रत्न जो होता है, सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है, तो भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो 2001 में प्रदान किया गया, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, खेलो इंडिया ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन गंगापथ पटना में किया गया, तो ये सही है। बिहार की महिला खिलाड़ियों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया, तो ये भी सही है। 40 किलोमीटर मास स्टार्स में सीनियर वर्ग में मंजू कुमारी ने किया, तो स्वर्ण पदक जीती। तो मंजू कुमारी के नाम याद रखिए, तो ये स्वर्ण पदक जीती, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 14 से 17 मार्च 2023 के बीच इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो विद्या कुमारी के द्वारा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन प्रावधान किया गया है? तो ये 5 जिलों को किया गया है। इसमें से नाम याद रखिए, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण और पूर्णिया। एक बार और सुनिए, मुजफ्फरपुर 1, समस्तीपुर 2, सिवान 3, सारण 4, पूर्णिया 5। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के किस जिले में 15 करोड़ की लागत से डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये कहाँ? तो पूर्णिया में। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि टीबी उन्मूलन जो अभियान है टीबी को ख़त्म करने का, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसका कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक इसका, और मलेरिया का 2030 तक। हाल ही में बिहार में भारतीय जनता दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बिहार में किसे? तो सम्राट चौधरी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस संस्थान के सहयोग से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रदूषण स्तर मापन यंत्र लगाने की घोषणा की है? तो IIT कानपुर के सहयोग से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के लिए प्री स्कूल के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? तो बाल वाटिका की स्थापना किया जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना के तहत किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ा जा रहा है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इसमें लिख दिया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के कितने प्रखंड में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, जिनका संचालन जो है जीविका दीदी द्वारा किया जाएगा? तो ये 100 जो है कितना, तो 100 खोले जाएंगे, 100 प्रखंडों में 32 जिलों के 100 प्रखंडों में क्या? तो सामुदायिक पुस्तकालय से कैरियर विकास केंद्र खोला जाएगा। इसका संचालन जीविका जो है दीदी इसके द्वारा किया जाएगा। अभी इससे पहले बताया है ना कि जीविका के बारे में, 2 अक्टूबर 2007 बिहार सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत बिजली की दर जो है, बिजली दर में यह वृद्धि किया है? तो 24% इसमें भी वृद्धि कर दिया है।
बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति के तहत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो मीठी क्रांति के तहत 17 जिलों का ये चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, जनवरी 2023 में बिहार के कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? तो 19 लाख। वर्ष 2021 से वर्ष 2022 में बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखा जाए इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया है एक्सीडेंट में, तो 12.90% का इसमें वृद्धि हमें देखने को मिला है। हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर, अंतिम क्वेश्चन है आज का, हाल ही में बिहार की लखनदेई नदी पर 1150 करोड़ की लागत से 450 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण की घोषणा की गई है। यह नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर के गुजरती है? तो मुजफ्फरपुर दरभंगा और मुजफ्फरपुर दरभंगा और सीतामढ़ी से होकर के गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक ये अंतिम क्वेश्चन था, पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है इसका सेट नंबर 6 या देखेंगे, इसका जो भी होगा पीछे का जो करेंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज उसको करा देंगे, या बहुत दिन से अभी जो इसका जो फूल पत्ती वाली जो मैगजीन है वो भी नहीं हो रहा है। तबीयत थोड़ा डाउन हो गया है, काफ़ी ख़राब चल रहा है, सर्दी खांसी सब कुछ, काफ़ी परेशान रह रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर ख्याल रखिए आप लोग अपना, पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम दिन अब बचा हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले तक हाँ ज़रूर है कि ये जो फूल पत्ती और ये जो एडिटोरिया है इसको पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करा देंगे। अगर आप लोग कहिएगा तो जो आर्थिक जो केंद्र का जो बजट है उसको अच्छी तरह से करा दिया जाएगा, एसपीडी या इसी से, पहले एसपीडी से करा देंगे उसके बाद जो है ये लुटेरिया इसमें भी अच्छा से दिया हुआ है इसे भी करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।